ये ढीला कैसे हो गया? गरम कितना हो गया भाई? ये देख रहे हो भाई कितना घिसा है, मेटल टू मेटल। ये साला किधर घिसा है तो सुबह ही मालूम पड़ेगा। अभी रात के कितने बजे भाई? 2 बजे हो गए। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब दुकान। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम सो गए थे क्योंकि आज हमें नाइट राइड करनी है। हाँ, तो वेलकम बैक टू अपन की यूट्यूब की दुकान। और यहाँ पे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। बस इन भाई साहब के ये नए 3BH के लिए हो गया तो स्टिकरिंग का काम भी कर रहे हैं अभी। ये जरूरी होता है रात को राइड करनी है तो स्पेशली ये लगाना पड़ता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होगा तो पीछे से पता चलेगा कोई आ रहा है, वरना ठुक ठक के चला जाएगा तो वापस करना पड़ेगा। चलो लगे रहो आप। बाकी ऐसा कुछ हाल है, अभी पूरा सामान तितर बितर है। अभी हमारे भाई आ रहे हैं तो फिर किधर पे क्या रखना है वो अरेंज करके पूरा पैकिंग करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा टास्क है ये इंटरकॉम को पेयर करना। तो आने के बाद उसके हेलमेट में भी इंटरकॉम लगाना है। इंटरकॉम लगाते हैं, पैर करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। उसको आ जाने दो। चलो जी, खुल जा सिम सिम। अरे अरे अरे, गिर गया क्या? गिरा, आ जा। तभी हम जा रहे हैं नीचे, पीछे जो सामान गाड़ी में लगाना है उसको लगा लेते। चलो भाई साहब, जाने दो। कितने माले जाना है भाई? माला तो मुझे पता नहीं है, तो ग्राउंड फ्लोर पे उतार देता हूँ। रोको, जल्दी से रोको, कोई प्लीज बचाओ। फंस चुके हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर। हाँ भाई, बड़े हैं दो शेर। उसका सवारी करने वाले शेर भी उसके साथ आ चुके हैं। तभी क्या करेंगे, ये चीज है, ये इसका थोड़ा हाइट ज्यादा है। यस, तो ये चीज यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। इसका जो बड़ा वाला वाइजर है अभी तूने ये तक जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा ना? हाँ, यहाँ तक आ जाएगा। चलेगा फिर। चलेगा चीचे जी, हो गया क्या? तो ये चीज अभी नहीं डाली हुई है जिससे इसका जो फ्रंट फ्रॉक है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। और बाकी ये वेंट स्क्रीन भी टैग दिए, लेकिन भैया जी ने यहाँ पे अपना नाम बुधवाया था तो इसको यहाँ पे उतारना पड़ेगा। अभी डन है जी, तो वेनम वर्सेस बगीरा। अभी देखो भाई, टंकी ये जो टैंक है उस पर PPF हुआ नहीं है, तो अभी जुगाड़ लगाया हम लोगों ने। हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो PPF से भी अच्छा प्रोटेक्ट करेगी तुम्हारे टैंक को, तुम्हारे इस साइनी जो सरफेस है ना उसको साइनी ही रहने देंगे। ये जो होता है ना, ये क्या होता है कि जब आप ये रेडियम वालों के पास ऐसी स्टिकर वगैरह करवाने जाते हो ना, जो उसमें रेडियम लेके यहाँ पे चिपकाता है वो वाला, ये सेलो टाइप है तो ऐसे चिपका देने का और आराम से जकास अपनी गाड़ी रखने का। तो हर बार जो हम ये इतने सारे नट बोल्ट लेके घूमते हैं वो आज काम आ गया। एक काम आ गया उसमें से। खजाना है भाई, खजाना, अली बाबा का खजाना। कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। A few inches later. Mahendra Bahubali. Boxer mein hai. चलो भाई फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ चलो भाई, थोड़ा सा निकलने में लेट हो गया है। 10 बजे हमें माधवपुर चौकड़ी पहुँचना था। कितने बजे भाई? 10:01 होता है। बड़े बड़े पैसा कटेगा इसका। टाइम पे जाया करो, टाइम पे आया करो। ओ ओ ओ ओ ओ, रह गया, बैठ जा, अभी बैठ जा, सीधा बैठ जा। ओके, गणपति बप्पा मोरिया, जय माता जी, हर हर महादेव। चलो गणपति बप्पा मोरिया। हाँ हाँ हाँ, मैं घुमा रहा हूँ भाई। ओ ओ, अभी गिर जाता भाई। पहले दिन शुरुआत होती गिरने से। चलो मालिए, थैंक यू। चलो भाई, फाइनली राइड की शुरुआत हो गई है। देखो भाई, लोग हमें सी ऑफ करने के लिए आ रहे हैं। बोलो अम्बे मात की जय। और इस बार का अच्छा बात क्या है, क्या पता है तुझे? जय।
इंटरकॉम पे सब कनेक्ट है। आगड़ थोड़ा उभो आगड़। ओ भाई केम छे? केम छे भाई? मजा। ओ तमे अहीं छो? वाह ઉનાથી? અચ્છા થેન્ક યુ બ્રધર, થેન્ક યુ, મળીએ ચાલો મળીએ, હા ચાલો ઇન્દ્રજીતભાઈ મળીએ, થેન્ક યુ, ચાલો મળીએ, હા જય શ્રી રામ। દેખો ભાઈઓ કા પ્યાર દેખો ભાઈ, ભાઈ તું પેટ્રોલ एक काम कर, तू पेट्रोल भरवा ले, मैं सीएनजी भरवा लेता हूँ, सस्ता है, नहीं है क्या? चला पहले दिन ही फड़वा देगा वरना। सेल का पेट्रोल कितना महंगा है भाई बता तो। ओह 108 है गुजरात में, 108 रुपया हो कहीं। हाँ तो भाई अभी पहला ब्रेक लिया था फ्यूल अप के लिए सेल में, वहाँ पे प्राइस क्या था जयू? 108 और यहाँ पे 94। ओके पेट्रोल में सोना मिला के देते थे। कितना लीटर का, 2 लीटर का घाटा होता अभी फुल टैंक में। भाई फाइनली अभी हम राजकोट से बाहर निकल गए, रात के कितने बजे? 11। ये थोड़ा घड़ी मेरे को सेट करना पड़ेगा, इसमें 11 बज के अभी 32 मिनट हुई है, घड़ी एक आधा घंटा आ गया है। अभी पहला स्टेप लेंगे अपन कहाँ पे? चोटीला। भाई ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी, आपको दिखाता हूँ। ये लोग जो जा रहे हैं चल के, उनको शायद से जयू ने मुझे ऐसा बताया कि पुलिस वाले हेल्प करते हैं, वो रेड कलर का रेडियम वाला स्ट्रेप हाथ पे पहना देते हैं जिसकी वजह से वो रात को विजिबल हो। शायद से आपको दिखाई दे रहे वो लोग जो चल के जा रहे हैं, वो रेड कलर का रेडियम रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा काम किया है जिन्होंने भी किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ तो जी भाई पहुँच चुके हैं अपन आज के हमारे पहले स्टॉप पे जो है चोटीला। और कितने बजे भाई टाइम? 11:30। अभी अन्ना जी करेंगे थोड़ा सा सिनेमेटिक, उसके बाद हम डाल देंगे कि मेरे को एक सेफ प्लेस पे। तो पहले माता जी को ये नारियल अर्पण करते हैं। हेलमेट इधर लेके आ भाई, ऐसे छोड़ना का नहीं, इधर इधर रख दे। चलो रेडी सब लोग? ओके चलो जय माता जी। अरे आ छे ने आ बोल निकली गयो, आ निकली ने घसाणो समझाणू, आ चेन पॉकेट नो छे ने आ बोल छे। हा बाप रे आटलो घसाणो छे, अवाज आवे ज ने। चलो भाई एक बड़ा हादसा होते होते बच गए। ये ढीला कैसे हो गया, गरम कितना हो गया भाई? देखते आगे कहीं पे रुकते होटल पे या पेट्रोल पंप पे, धीरे धीरे चलते अभी, ठीक है? ये मेरे पास रखता हूँ अभी, हाँ पानी पी लेते हो फिर। तो अभी हमने ये डिसाइड किया कि गाड़ी को धीरे धीरे चलाएंगे और किसी नियर बाय जो फ्यूल स्टेशन आएगा पेट्रोल पंप वहाँ पे गाड़ी रोक के, अगर मेरे पास देखता हूँ और डोरेमोन के पिटारे में है या नहीं वो बोल्ट तो लगा देते हैं और ना कुछ जुगाड़ करते हैं। लेकिन यार रॉयल फील्ड की नई नई गाड़ी है भाई, कितना चली है अभी तक? 1200 चली है और इसका एक नट ढीला हो गया यार, और वो हाँ वो भी नाइट में भाई, सच्ची में सीरियस, ये के सीरियस से भी बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यू है ये वाला। चलो भाई आ जाओ, फ्यूल पंप आ गया, बंद है फ्यूल पंप लेकिन हमारा काम हो जाएगा हमें। ओके 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 सामने सामने, वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा। ये चालू है या बंद है? उधर ही चले जाते हैं सामने, इधर इधर। ये देखो कि क्या हाल हुआ है इसको, अपने पिटारे में देखते हैं भाई है या नहीं अपने पास कुछ, शायद से है ऐसा लग रहा है मेरे को, अंदर से फीलिंग आ रही है। ओ भाई शायद से मिल गया, देख तो ये बड़ा है, गाड़ी लगा। चलो भाई गुड न्यूज़, अपने इस पिटारे में से मिल गया एक जादू का। दिखा तो भाई क्या हाल हुआ है वो। ये चीज़ पता है मैंने
शोरूम वालों को यानी कि सर्विस स्टेशन वालों को बताई थी, तो सर्विस स्टेशन वाले मुझे क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा एसेसरीज लगी है ना उसका आवाज़ आ रहा है, उनको ये नहीं मिल रहा है कि ये तुम्हारा बोल घिस रहा है, ये कब पहले थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था। ये देख रहे हो भाई कितना घिसा है, मेटल टू मेटल, ये साला किधर घिसा है तो सुबह ही मालूम पड़ेगा। अभी रात के कितने बजे भाई, 2 बजे हो गए शायद से। टूल है ना? हाँ टूल है अपने पास, वो नहीं आ रहा पानू, ये उधर थोड़ा आगे, थोड़ा आगे ले ले उसको, थोड़ा आगे लेके ये एक्सटेंडर लगाओ ना भाई। ये तो अच्छी बात है कि हम ये सब कुछ लेके घूम रहे हैं, वरना हाँ। रात के अभी दिखाई देते भाई कितने बजे, चलो फोन किधर है। रात के 2 बजने को आया, कोई अभी कौन हमारी हेल्प करता भाई इतनी रात पे। थोड़ा इधर ले लो, तो भाई जी ये वाला जो बोल्ट है वो रहता है यहाँ पे इसके, इसको क्या कहते हैं, चेंज पॉकेट। ये टोटल यहाँ पे 4 बोल्ट थे, उसमें से एक बोल अपने आप ही ढीला होके निकल गया और बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, इसलिए हमने गाड़ी रोक के देखा तो ये भाई ये हाल है। ये नई नवेली गाड़ी है भाई, 1200 किलोमीटर चली हुई है और ये है रॉयल एनफील्ड की बिल्ड क्वालिटी। ये तो हम लकी थे कि ये बोल्ट उछल के इसके चेंज पॉकेट में नहीं जाके फंसा, अगर फंस जाता तो भाई बहुत ही बुरा हादसा हो सकता था, चेन भी टूट सकती थी। बट तो भाई रॉयल एनफील्ड की गाड़ी ले रहे हो तो ये झेलना पड़ेगा आपको, और भाई ये हिमालयन 450 के साथ तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस आज हमारा नसीब काम कर रहा है कि हम बच गए। नीरव भाई भट्ट, बीएस गंगा, जय अने ललित एम केजो ने, जयू केजो ललित केजो ने, पाको पाको राखी तुम्हारो कार्ड, चलो बोलिए। ओके भाई थैंक यू। देखो भाई ऐसे भाई लोग मिलते हैं अचानक से, कहाँ कहाँ के हमारे कनेक्शन निकल जाते हैं। तो भाई क्विक अपडेट, अभी हमने हमारी गाड़ी का जो ब्रेकडाउन हुआ था उसको वापस से बैक ऑन ट्रैक ला दिया है, और रात के कितने बजे, 3 बजे, और अहमदाबाद भी क्रॉस कर रहे हैं। होपफुली सुबह होते होते हम पाली पहुंच जाएंगे या फिर पाली क्रॉस भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारा 1 घंटा बर्बाद हो गया, वरना और थोड़ा जल्दी पहुँचते, बट हाँ काम अपना हो गया। तो अभी जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे वापस से गर्मा गर्म ऐसा पका पका के खबरें आपको देंगे। ये देखो भाई नाइट राइड करने का ये फ़ायदा, अभी हम अहमदाबाद के बीचों बीच है लेकिन ट्रैफिक जैसा कुछ है ही नहीं। अपने नुकसान भी है जैसे कि अभी हुआ हमारे साथ, लेकिन हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे, प्री प्लानिंग से चल रहे थे, तो जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। अगर ऐसे प्लानिंग से चल रहे हो तो नाइट राइड करो, एक्सपीरियंस हो तो ही करो, वरना भाई ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, रिस्क लेने का इच नहीं बाबा, समझिए ना। चलो भाई देखते देखते अहमदाबाद हमने क्रॉस कर लिया भाई मात्र 25 मिनट में, 3 बजे हम घुसे थे, 25 मिनट में क्रॉस। चलो भाई फाइनली एक होटल तो मिला, कॉफ़ी मिलेगी क्या या नहीं मिलेगी। फाइनली भाई रात के नहीं भाई सुबह के 4 बजे ऑफिशियली ब्रेक ले लिया है इस ट्रिप का, और नाश्ता हो रहा है डोसा और कॉफ़ी, क्या है कॉफ़ी मस्त है, इसको नींद आ रही थी इसीलिए सबसे ज़्यादा रुके है। और डीची जाखी हम तो और भी 50 किलोमीटर चल रहे, जागने की आदत किसी भी मुझे भूत से मिलवा के मानेगी। भूत तो साथ में मिलवाने का जरूरत नहीं है। कितनी चला रही है अभी तक, 400 किलोमीटर ऊपर तो चला दी भाई, अभी एक फ्यूल अप के लिए ब्रेक लेंगे ठीक है। 4:30 बजे भाई, 4 बजे सुबह 4 बजे भी अभी इतनी गर्मी हो रही है। ओ जय माता जी, मेरा देख रहे को अभी खुराक चाहिए। देख तो तूने ट्रिप एफ 0 की थी ना, कितना आया? बस नहीं मानता मैं, वो लाइट भी चल गई जयू, वो जो आई थी ना, अरे नहीं वो मेरी जली थी इंजन वार्निंग लाइट जली थी, वो तब कंटिन्यू बैटरी चल अपना ये फॉग लाइट चालू थी ना,
इसी वजह से यहाँ पे देखना, मैं पहले जा रहा हूँ, रुको। अभी 50 किलोमीटर का रेंज है अपना, तो कहीं पे हाँ सामने ही दिख रहा है भाई, इंडियन ही है फुल। रेडी जी रेडी। बस बस बस, कितना 10 लीटर 1030। सबसे बढ़िया चीज़ इस ग्लव्स की। बारिश हुआ है क्या यहाँ पे? कब? 8 बजे। और मिट्टी की खुशबू आ रही थी, मुझे लगा कि बारिश ही हुई है। उबरे जाओ उबरे जाओ, हमारी ट्रिप जीरो कर दो भाई। इस वाले रूट का ये वाला रास्ता मेरे को बहुत प्यारा लगता है। क्या आवाज़ निकली रे गाड़ी की। गुड मॉर्निंग, सुबह के कितने बज गए भाई? 6 बजे और अभी तक हमारी राइड जारी है। अभी थोड़ी देर में हम एंटर हो गए राजस्थान में। ओ हो, क्या 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 व्यू है भाई, इतना सुंदर व्यू, मेरी तो आंखों में पानी आ गया। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे फ्यूल अप करवाया था। अभी थोड़ी देर के बाद हम राजस्थान में एंटर होने वाले हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा सस्ता वाला फ्यूल। भाई कितना, 10 रुपये का फ़र्क है ना 1 लीटर में। हाँ तो वापस से फुल टैंक करवा लेते हैं, जो भी जितना भी आएगा। शायद से मेरा कितना आएगा पता है, 3 लीटर आएगा, 3 या 4 लीटर। ये क्या 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 कर रहा है, क्या कर रहा है? ऊपर ले ले, ऊपर ले ले। बस बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे बस। 3.88 ब्रो, माइलेज की वाट लग गई है भाई। 3.367 रुपीस का वापस से फ्यूल आ चुका है अपना गाड़ी का। 28 से 31 का माइलेज निकाल के दे रही है गाड़ी, अच्छा है विथ पिलियन। अभी मुझे लग रहा है कि वाइजर चेंज करना पड़ेगा मुझे। क्लीन नहीं, मेरे को चेंज ही करना है। गुजरात पुलिस आपको टाटा बाय बाय कहती है, और राजस्थान वाले आपको खम्मा घणी, आओ आओ पधारो हमारे देश। नहीं भाई अभी पहुंच गए क्या? हाँ भाई राजस्थान, वी आर इन राजस्थान। 7 बजे पहुंच गए भाई राजस्थान। RTO, हाँ PUC देखना चालू भाई, PUC देखना चालू, राजस्थान आ गया सर्टिफाइड। PUC देखो, हर जगह पे अभी PUC दिखेगी, टोल प्लाजा के पास। वेलकम टू राजस्थान मेरे भाई। और मेरे फोन में बस 2% बैटरी है, और ये है हमारी ट्रिप का पहला टनल, छोटा सा इत्तू सा। अरे स्पीड ब्रेकर गचिक मैंने भी ले लिया। इतना अंधेरा क्यों है? अच्छा ब्लैक वाइजर डाला है, हाँ थोड़ा लाइट करते हैं। अरे ये तो चमका, ये तो शुरू होता ही खत्म हो गया। तो भाई फाइनली सुबह के 10 बजे अभी हम पहुंच चुके हैं पाली में। ये है हमारा पुराना ठिकाना, जब हर बार हम यहीं पे रुकते हैं। तो जय गया है, अभी रूम अवेलेबल है या नहीं यहाँ पे। अगर रूम अवेलेबल होगा तो यहाँ पे लगा के अपनी गाड़ी है सारी और सो जाएंगे। लो जी फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं आज के हमारे डेस्टिनेशन पाली पे। सुबह कितने बजे पहुँचे? 10 बजे पहुँचे, उसके बाद हम सो गए थे सारे के सारे लोग। अभी जस्ट सो के उठा है तो सोचा क्यों ना व्लॉग एंड कर दिया जाए, व्लॉग एंड करना ही भूल गया था। और इस वाले रूम, अगर आप पहले से मेरी वीडियो देखते हो तो हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं इसी होटल में रुकते हैं। और यहाँ पर रहती है हमारी बाइक के पार्क। लास्ट टाइम लद्दाख ट्रिप में भी यहाँ पे ही बाइक पार्क की थी, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी करी है। तो बस अभी सब सो के उठ गए, 10 बजे सब सो गए थे, 11 बजे। अभी कितने बजे है ये सिर्फ दिखा देते हैं आपको, दिखा रहे भाई 7:40। सब रेडी हो रहे हैं। तो बस भाई आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ कमेंट कीजिए कैसी लगी वीडियो, अगर कुछ सजेशन है वो भी दीजिए।
वही मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल हम जाने वाले हैं, मतलब अभी हम निकलेंगे पाली से टूर दिल्ली। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।